गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर क्या होता है और निगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। बेटा देखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहता है कि अगर आपके पास दो कोई भी रेशनल नंबर है, मान लीजिए आपके पास दो रेशनल नंबर a by b एंड एक रेशनल नंबर c by d, ये आपके पास दो रेशनल नंबर मान लीजिए दिया हुआ है। आपको पता करना है कि ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि ए का मल्टीप्लाई डी के साथ और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, मतलब b का मल्टीप्लाई c के साथ। अगर a का मल्टीप्लाई b d से करते हैं और b का मल्टीप्लाई c से करते हैं, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल आता है, कहने का मतलब कि आपके पास अगर दो रेशनल नंबर है, आप दोनों रेशनल नंबर्स को एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से और एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों रेशनल दोनों वैल्यू आपस में अगर इक्वल आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन रेशनल नंबर्स है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? रेशनल नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है कि आप का रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, चुपचाप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे, नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है, अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है और उसको हमें उसके इक्विवेलेंट दो चार रेशनल नंबर लिखना है, तब हम लोग कैसे, मतलब ये हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल। बात समझ में आया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, हम लोग एक रेशनल नंबर को उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए है बेटा कि देखो, अगर आपको कोई भी एक रेशनल नंबर मान लो a by b आपको दिया गया है और इसके इक्विवेलेंट आपको दो या चार या पांच जितना भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो आपको करना क्या है कि इस गिवन रेशनल नंबर्स में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मतलब हो गया कि जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब सेम नंबर्स, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर x लिए, तो x का डिवाइड या मल्टीप्लाई a by b आपका रेशनल नंबर है, आप इसमें मल्टीप्लाई x by x, कहने का मतलब कि न्यूमरेटर में भी x से डिनोमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप a by b में बेटा डिवाइड कर सकते हैं x बाई x से, आप किसी भी नंबर से,
या तो मल्टीप्लाई कीजिए या तो डिवाइड कीजिए। अब देखिए इसको हम एक नंबर पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रेशनल नंबर 2/3 दिया गया, अब आपके आपको इसके इक्विवेलेंट कोई रेशनल नंबर लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस 2/3 को मल्टीप्लाई 2/2 से कर दीजिए। मान लो आप x का वैल्यू एज अ 2 ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 ही ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 2 = 4 और 3 2 = 6, कहने का मतलब 4/6। तो ये रेशनल नंबर आपका गिवन है और ये रेशनल नंबर आपने फाइंड किया। बेटा ये दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्वल है, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से मान लो और भी रेशनल नंबर, आपको एक नहीं फाइंड करना है, दो फाइंड करना है, तीन फाइंड करना है, तो हम इसी रेशनल नंबर मतलब ये 2/3 में किसी फिर इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से जस्ट लाइक सोचो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से ऊपर। हाँ ये ध्यान रखना है कि जितना से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर आप डिवाइड भी करना चाहते हैं तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड भी कीजिए, ऊपर नीचे दोनों। द 2 3 = 6 और 3 3 = 9। बेटा ये 6/9 आया, अब ये 6/9 हो 4/6 हो, ये सब ये दोनों रेशनल नंबर आपका 2/3 जो है इसके इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गया। अब आप रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। अगर ये जानकारी आपको लेना है कि ये दो रेशनल नंबर आपको दिया गया है, आपको पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि फर्स्ट जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकेंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाए तब आपको कंपेयर करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका दोनों का अगर आपस में इक्वल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर्स है वो आपका मतलब इक्विवेलेंट है। अगर मान लीजिए कि कबाई दबे अगर ये बराबर नहीं आता है तब आप कहिएगा कि ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है। अब दूसरा है कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्सन के लिए बेटा सिंपल है कि आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है उस रेशनल नंबर को सेम नंबर से सेम नंबर मतलब कि अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं, नंबर एक चीज ध्यान रखना है कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या दोनों को डिवाइड कीजिए। ये करने पर आपका जो भी नया रेशनल नंबर क्रिएट होगा वो रेशनल नंबर आपके गिवन रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ गया। दैट्स ऑल।